इंडियन मार्केट में अगर आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के ब्रैकेट में कार्स देखते हो ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उन्हीं में ही अगर आप लेटेस्ट कार देखते हो तो उसमें सिट्रोएन C3 इस टाइम पर टॉप पर दिख रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस गाड़ी में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपको निराश भी करती हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो NBT ऑटो, और आज की इस वीडियो में आपको सिट्रोएन C3 का मिलेगा डिटेल्ड रिव्यू। चार मुख्य पिलर्स यानी कि कंफर्ट, स्पेस, परफॉर्मेंस और डिजाइन, इन चारों मुख्य पिलर्स के चलते सिट्रोएन C5 या फिर सिट्रोएन C3 इन दोनों को कंपनी बेच रही है। हालांकि जो फीचर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही आपको सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस में उतने देखने को मिल रहे थे प्राइस पॉइंट के हिसाब से, ना ही आपको इसमें देखने को मिलते हैं। हालांकि इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी की गई है। अब कॉस्ट कटिंग कहाँ की गई है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो पहली नज़र में आपको सिट्रोएन C3 का डिज़ाइन पसंद आ जाएगा। डिज़ाइन के साथ साथ अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यार ये जो गाड़ी है ना, दिखने में आपको जो मिनी SUV माइक्रो SUV वैसा वाला लुक देती हुई नज़र आती है, जैसे कि टाटा पंच आपको देखने को मिलती है। अब कंपनी इस गाड़ी को यानी कि C3 को सिर्फ हैचबैक बोल रही है, SUV वाला कुछ बोल ही नहीं रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और कंपनी इस गाड़ी को लॉन्च कर रही होती ना तो माइक्रो, मिनी या कुछ भी SUV वाला नाम अभी तक दे चुकी होती। लेकिन C3 को अगर आप देखते हो तो आपको वैसा फील भी आता है, काफ़ी बड़ी लगती है। इनफैक्ट टाटा पंच से इस गाड़ी की लंबाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और फ्रंट लुक भी अगर आप देखते हो तो किसी किसी को टाटा पंच का ज़्यादा अच्छा लगता है तो किसी किसी को सिट्रोएन C3 का अच्छा लगता है। और C3 में आपको प्रॉपर ऐसा वाला फील आता है कि यार ये सिट्रोएन की गाड़ी है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो तरीके की DRL देखने को मिल जाती है, हालांकि यहीं पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। DRL यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको हेडलाइट मिल जाती है, बल्ब है, नीचे भी आपको बल्ब मिल जाता है फॉग लैंप पर, और यहाँ पर ये जो ऑरेंज एक्सेंट आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, और प्रॉपर इसे एक डिज़ाइन लैंग्वेज देता हुआ नज़र आता है जो कि आपको सिट्रोएन का देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको इस गाड़ी में लगभग 56 कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ 70 एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है जो कि आप इस गाड़ी में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेडलाइट पर कुछ चाहिए तो वहाँ पर कुछ लगवा सकते हैं, यहाँ पर ये ऑरेंज कलर नहीं चाहिए तो आप कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं, क्रोम एक्सेंट्स के साथ कुछ और चीज़ें आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं इस गाड़ी में। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। रूफ़ में आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर देखने को मिल रहा है, कुछ और कलर आपको चाहिए तो वो आप वहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में अगर हम आते हैं तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी में सेम वही डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस में देखने को मिल रहा था, वही साइड में जो क्लैडिंग है वहाँ पर जो रॉकर है वो आपको सेम C5 एयरक्रॉस की याद दिलाता हुआ नज़र आता है। बेस्ट पार्ट तो ये है, देखो जैसा कि पहले बताया पंच से ये थोड़ी सी लंबी है तो उसका सीधा फायदा आपको गाड़ी के अंदर भी देखने को मिलता है, और गाड़ी का जो व्हील बेस है वो भी आपको पंच से ज़्यादा देखने को मिलता है। टाटा पंच से लगभग 95 mm इस गाड़ी का व्हील बेस ज़्यादा मिलता है, अंदर आपको भरपूर स्पेस इसी वजह से मिल भी जाता है। इतना ही नहीं, कम्फर्ट अगर हम देखें ना, जैसे कि कंपनी कह रही है कि कम्फर्ट इस गाड़ी में अच्छा है, खैर अच्छा भी है, देखो जब चलाऊंगा तो मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन कंफर्ट के लिए ना यहाँ पर अगर आप टायर देखते हो तो यहाँ पर देखो एलॉय व्हील नहीं है, इस गाड़ी में आपको एलॉय व्हील देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी एज एन ऑप्शनल एक्सेसरीज के तौर पर आपको एलॉय व्हील भी ऑफर कर रही है जो कि आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके लगवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये व्हील कैप देखने को मिल जाती है, स्टील व्हील्स है, और इसका जो टायर है ये टायर काफ़ी चौड़ा है, 195, आप सोच रहे हो 195/65 R15, ये टायर साइज काफ़ी चौड़ा है। हालांकि जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर टाटा पंच का आप टायर देखते हो तो वहाँ पर आपको 185/70 R15 टायर देखने को मिल जाता है, और टायर चौड़ा है, सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, तो इसी के चलते आपको गाड़ी के अंदर बढ़िया कंफर्ट भी देखने को मिल जाता है। साइड से यही कुछ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जैसे कि डुअल टोन ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको जो सेकेंड कलर है ऑरेंज वाला उसका यहाँ पर आपको ORVM देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेस देखने को मिल जाती है, हालांकि फंक्शनल नहीं है, सिर्फ लुक के लिए कंपनी ने यहाँ पर दी है। बाकी अगर आप डोर हैंडल्स वगैरह देखते हो तो यहाँ पर ही आपको काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप नज़र आते हैं। अब सिट्रोएन C3 के अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो देखो ये फील वेरियंट है यानी कि टॉप मॉडल है, उसके बावजूद भी ना अगर आप डिज़ाइन देखते हो तो डिज़ाइन के मामले में ये आपको काफ़ी खुश रखेगी, लेकिन अगर आप फीचर्स देखते हो तो वहाँ आप काफ़ी निराश हो जाओगे। ऐसा इसलिए भी
क्योंकि यहाँ पर ना तो वाइपर मिलता, ना ही डिफॉगर, ना ही वॉशर, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप सर्दियों में इस गाड़ी को लेकर कहीं जा रहे हैं या फिर पहाड़ों वगैरह पे जा रहे हैं जहाँ कड़ाके की ठंड होती है, तो वहाँ पर हो सकता है ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करे, खासकर रियर विजिबिलिटी को लेकर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर ये जो टेल लाइट है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर सी है। हालांकि टॉप वेरिएंट है तो आपको यहाँ पर ये प्रॉपर पूरी टेल लाइट मिल जाती है। जो निचला वेरिएंट है वहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट नहीं मिलता है, ऊपर वाला मिल जाता है। हालांकि ये यूनिट पूरी मिल जाती है और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर सेम वही ऑरेंज एक्सेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दो पार्किंग सेंसर्स हैं। अब पार्किंग सेंसर्स तो मैंडेटरी है, कैमरा नहीं था तो कंपनी ने कैमरा नहीं दिया है। टॉप वेरिएंट में भी आपको रियर पार्किंग व्यू कैमरा देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर जगह है, अगर आप इसे एज एन एक्सेसरी लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो, अतिरिक्त पैसे आपको खर्च करने होंगे। बाकी यहाँ पर सिट्रोएन लिखा हुआ है, C3 आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अब ये जो गाड़ी है ये नॉन टर्बो वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पर आपको प्योर टेक का बैज नहीं मिलता, टर्बो में आपको मिलता है। बाकी इसका बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिसेंट स्पेस मिलता है 315 लीटर्स का। अब जो इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ी है ना टाटा पंच, उसके मुकाबले काफ़ी कम स्पेस है। अब देखो कंपनी ने व्हील बेस लंबा दे दिया, लंबाई ज़्यादा कर दी, इंटीरियर का जो स्पेस है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है। मैं जब इंटीरियर की बात करूँगा तो वहाँ आपको दिखाई दूंगा, लेकिन यहाँ पर बूट स्पेस में जो स्पेस है उसकी कंपनी ने कटौती कर दी है। बाकी नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पर कंपनी स्पेयर व्हील ऑफर कर रही है, लेकिन ये एक साइज़ छोटा है, आपको 14 इंच का मिलता है और टूल किट्स आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर कंपनी ने क्या कुछ खास दिया है और कहाँ कहाँ कटौती की है। देखो इस गाड़ी में आपको पुराने ख्यालात और नए ज़माने का पूरा मिश्रण देखने को मिल जाता है। यहाँ देखो, ये देख रहे हो ये ORVM पूरी तरह मैनुअल है, कहीं पर भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, ना ही ऑटो फोल्ड, कुछ भी नहीं मिलता है यार। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं अंदर की तरफ। नए ज़माने की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन आपको नए ज़माने का मिल जाता है और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, यानी कि टच एंड सेंस बहुत ही बेहतरीन है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलता है, वो भी वायरलेस, किसी और गाड़ी में आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अगर आप यहाँ पर डैशबोर्ड का लेआउट देखते हो तो देखो हर जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो टेक्सचर वगैरह है थोड़ा सा बढ़िया लगता है। यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस मिल जाता है, लेकिन इस स्पेस का कंपनी थोड़ा और यूटिलाइज कर सकती थी, बहुत सारा सामान आप यहाँ पर नहीं रख सकते हो। AC वेंट्स आपको वर्टिकली मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ग्लव बॉक्स में आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर पूरा एयर कंडीशन का जो पूरा हिसाब किताब है वो आपको मैनुअली मिलता है। जैसे कि आपको जो सस्ती गाड़ियाँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा जो बेस मॉडल वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। हालांकि ऊपर की तरफ देखते हो तो इसे देख के आप भले ही खुश हो जाते हो। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। अब इस गाड़ी को कंपनी भले ही बोल हैचबैक रही है, लेकिन जो इसका साइज़ है, जो चीज़ें हैं, वो प्रॉपर SUV वाली मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ सेंटर कंसोल पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अच्छा खासा स्पेस है, नीचे की तरफ भी आपको डीप स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा, काफ़ी बढ़िया डिसेंट साइज़ के यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ आर्मरेस्ट की कमी महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ भी आपको एक बॉटल होल्डर दिया जा रहा है। अब जो विंडो डाउन करने वाले जो बटन्स हैं वो आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं, कोई मैनुअल नहीं है कि आप घुमा के इस तरीके से ऊपर या नीचे कर रहे हो। चलो शुक्र है कंपनी ने यहाँ तो कॉस्ट कटिंग नहीं की। तो यहाँ पर आपको वन टच डाउन विंडो ग्लास देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपको इन्हें ऊपर करना है तो आप ऐसे प्रेस करके ऊपर करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर ये जो डोर ओपन और क्लोज़ करने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको पुरानी ज़माने वाली ही देखने को मिलती है, ओल्ड स्कूल टाइप। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको यहाँ पर ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये कलर नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को यहाँ पर कलर देना चाहिए था। अगर कलर नहीं भी देती तो इसका साइज़ थोड़ा ज़रूर बड़ा करना चाहिए था। हालांकि इसमें आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाती है और जो यहाँ पर ये जो अक्षर वगैरह हैं ना, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो कि अच्छी बात है। स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको कोई टैकोमीटर तो देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MPT, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। ये ऑडोमीटर, यहाँ फ्यूल गेज और यहाँ पर ये कूल और हॉट यानी कि टेम्परेचर वगैरह का मीटर देखने को मिल जाता है। बाकी ये चीज़ें हैं। स्टीयरिंग व्हील भी अगर आप देखते हो तो ये भी ओल्ड स्कूल टाइप मिलता है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी ने इसे
डी कट देने की कोशिश की है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्पेस मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। राइट साइड में यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं जो कि जहाँ से आप फ़ोन उठा सकते हो, कट कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, यहाँ पर सीरी वगैरह ऑन कर सकते हो वॉइस कमांड असिस्ट के लिए, और SRC जैसे कि आपको ब्लूटूथ FM वगैरह कुछ चलाना है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो कंट्रोल देख रहे हो ये वाइपर्स वगैरह के हैं, कोई भी आपको ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, ना ही ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि जो राइट में बटन्स हैं वो आपको हेडलाइट्स वगैरह के मिलते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है, दूसरा आपको यहाँ पर फॉग लाइट का बटन मिल जाता है, और नीचे की तरफ ये जो नॉब दिया जा रहा है ये बेसिकली हेडलाइट की पोजिशनिंग सेट करने के लिए दिया जा रहा है। 1, 2, 3 तीन लेवल्स पर आप उन्हें सेट कर सकते हो। बाकी यार स्पेस देखो, काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रहा है। इनफैक्ट जो सीटें हैं वो भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है जो कि मुझे लग रहा है यहाँ मिस है। देखो मेरी हाइट ये है और ये प्रॉपर लेवल पर आ रही है ऑलमोस्ट। अगर मेरे से लंबा व्यक्ति यहाँ पर कोई बैठेगा तो उसे दिक्कत हो सकती है, खासकर यहाँ पर ये हेडरेस्ट पर। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी इसमें बढ़िया मिलता है। और ये जो को ड्राइवर वाली सीट है ये भी काफ़ी बढ़िया, आप स्पेस देख रहे हो यानी ये मेरी हाइट के हिसाब से ये यहाँ पर ऐसे सेट है। अगर यहाँ पर कोई बैठता है तो वो अगर बहुत ज़्यादा आगे भी होके बैठता है ना तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे पर्याप्त लेग रूम मिल जाएगा, और जो पीछे बैठेगा उसे तो भरपूर लेग रूम मिल जाएगा। चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कंपनी खास चीज़ें ऑफर कर रही है और कंफर्ट और स्पेस कैसा मिल रहा है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको सनवाइजर मिल जाता है, यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, ना इसे एक्सटेंड कर सकते। यहाँ ये जो लाइट है ये आपको हेलोजन मिलती है, ये आपको नॉर्मल IRVM मिलता है, ना ही डे नाइट वगैरह जो होता है ना इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी वाइजर है यहाँ पर, लेकिन वैनिटी मिरर भी है। चलते हैं फटाफट से रियर सीट ऊपर। अब ज्यादा व्हील बेस होने का फायदा ना आपको यहाँ पर रियर सीटों पर साफ देखने को मिलता है। देख रहे हो कितना जबरदस्त मुझे लेग स्पेस मिल रहा है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। हेडरूम काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, शोल्डर रूम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, तीन लोग इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है तीनों के लिए भी। खैर बीच में जो बैठेगा उसके लिए तो बिल्कुल भी कोई भी हेडरेस्ट ही नहीं है। यहाँ पर बीच वाले पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट मिल जाती है, दो लोग बैठते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 3-point सीट बेल्ट मिल जाती है, और दो लोग अगर कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आर्मरेस्ट भी नहीं है। कप होल्डर्स बिल्कुल भी नहीं मिलते, बॉटल होल्डर एक मिल जाता है यहाँ पर, और दरवाजों पर एक एक लीटर की पानी की बॉटल आप रख सकते हो। इसके अलावा कन्वीनियंस की बात करें तो रियर सीटों पर आपको USB पोर्ट्स तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रियर AC वेंट्स नहीं मिलते हैं जो कि आपको साफ साफ कॉस्ट कटिंग नजर आएगी। अब स्पेस बढ़िया मिल रहा है, स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है, कम्फर्ट भी इस गाड़ी में बढ़िया है, यानी कि सीटें आपको पर्याप्त कम्फर्ट दे रही हैं। जैसे कि मैं बैठा हूँ, मेरी हाइट 5 feet 4 inches है, तो मुझे पर्याप्त यहाँ पर अंडरनीथ थाई सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और कंपनी इसका थाई सपोर्ट बढ़िया कर सकती थी, खासकर लंबे व्यक्तियों के लिए। बस यही सारी चीज़ें थी जो कि रियर सीटों पर थी। चलते हैं ड्राइवर सीट पर और गाड़ी को चलाते हैं, फिर बात करते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है इस नॉन टर्बो वेरियंट की। तो फाइनली अब हम चला रहे हैं सिट्रोएन C3, और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3-cylinder पेट्रोल इंजन। अब ये जो इंजन है ना, इसमें प्योर टेक यानी कि प्योर टेक्नोलॉजी कंपनी ने यूज़ की है, चाहे आप टर्बो वेरिएंट ले लो या फिर नॉन टर्बो ले लो। अब जो टर्बो वेरिएंट है देखो उसके पावर आउटपुट की बात कर लेते हैं, फिर हम चला तो नॉन टर्बो रहे हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो जो टर्बो वेरिएंट है उसमें आपको 109 BHP की पावर मिल जाती है, और साथ ही 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। सोच रहे हो कितनी ज़्यादा पावरफुल, और साथ ही उस गाड़ी में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, कोई भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। लेकिन हम जो चला रहे हैं ये है नॉन टर्बो, तो इसमें आपको जो पावर आउटपुट देखने को मिलती है वो है 80 BHP और साथ ही 115 Nm टॉर्क। इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अब इस गाड़ी में आपको 3-cylinder इंजन मिलता है, लेकिन जो रिफाइनमेंट है ना वो आपको 4-cylinder इंजन वाली देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट करके इनिशियली चला रहे होते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है।
इंजन से काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिलता है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं आता है, इंसुलेशन वगैरह कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। और अगर आप गाड़ी को चला भी रहे होते हो तो एक चीज़ जो कि इस इंजन में मुझे कमी महसूस होती है वो क्या है कि 5-speed गियरबॉक्स है, गियरबॉक्स काफ़ी स्मूथ है, यानी कि शिफ्ट शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को ट्रैफिक में चला रहे हैं यानी कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट गियर में नहीं चलाते, सेकंड गियर में गाड़ी उठाने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड गियर में अगर आप इसे उठाने की कोशिश करोगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वहाँ पर ये स्ट्रगल करती नज़र आएगी, आपको फर्स्ट गियर में लगाना पड़ेगा ही। जो कि मुझे लगता है इसके इंजन में सिर्फ एक यही बड़ी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी इसका क्लच काफ़ी लाइट है, मतलब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, और जो क्लच का ट्रैवल है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी को लेकर, जो कि इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में आपको इतनी बेहतर राइड क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। साफ साफ बोल रहा हूँ कि टाटा पंच में आपको इतनी बेहतर राइड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, लेकिन उसमें आपको थोड़े बहुत जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखने को मिल जाती है। इसमें उतनी बेहतर देखने को ना मिले शायद से, लेकिन राइड क्वालिटी वाकई लाजवाब है। आप जो छोटे मोटे उबड़ खाबड़ सड़कों से लेकर जाते हो वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़ा ब्रेकर अगर आपके सामने आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप भले ही अनकंफर्टेबल फील होते हो, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर सकते हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े बम्पर्स के सामने हर कोई गाड़ी स्लो कर लेता है। अब अगर आप छोटे मोटे रस्तों से जा रहे हैं या फिर थोड़ी उबड़ खाबड़ सड़कों से जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी ये राइड क्वालिटी ऑफर करती हुई नज़र आती है। और सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड है, तो अगर आप तेज़ रफ्तार पर कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि यार गाड़ी अनबैलेंस ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी अनबैलेंस होती हुई नज़र नहीं आती है। तो राइड क्वालिटी बढ़िया है। इसके अलावा गाड़ी में अगर हम बॉडी रोल की बात करें तो देखो यार, अब ये हैचबैक भले ही है लेकिन इसमें आपको जो सीट पोजीशन है वो प्रॉपर एक एसयूवी वाली मिल रही है, यानी कि आपको हाई पोजीशनिंग सीट देखने को मिल रही है। तो आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है जब आप तेज़ रफ्तार पर मोड़ रहे होते हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और अगर हम स्टीयरिंग इनपुट की बात करें तो स्टीयरिंग इनपुट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, और स्टीयरिंग का रिस्पांस अगर आप तेज़ रफ्तार पर चला रहे हो या फिर गाड़ी को मैन्यूवर कर रहे हो, यू टर्न ले रहे हो, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको ये स्टीयरिंग व्हील देता हुआ नज़र आता है। ओवरऑल राइड क्वालिटी ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन मिल जाती है, ब्रेकिंग भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। माइलेज की अगर हम बात करें तो माइलेज इस गाड़ी से आपको सिटी में 15-16 मिल जाता है, और हाईवे पर ये आपको 18-19 KMPL तक माइलेज देती हुई नज़र आती है। अब आखिर में आते हैं हम अपने अंतिम चरण पर, यानी कि फैसले पर कि इस गाड़ी को यानी कि सिट्रॉयन की C3 को खरीदा जाए या नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए ना, जिस प्राइस पॉइंट पर सिट्रॉयन C3 को लॉन्च किया गया है, उस प्राइस पॉइंट पर अगर आप एक ऐसी हैचबैक या फिर मिनी SUV की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको भरपूर स्पेस मिले, डिसेंट परफॉर्मेंस मिले और कम्फर्ट ज़बरदस्त मिले, तो ये गाड़ी ना आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी के अलावा आपको कोई और गाड़ी पसंद भी आएगी। हालांकि अगर आप मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भैया ऑटो फोल्ड ओवरव्यू मिले, रियर एसी वेंट मिले, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिले, तो वहां पर आपको ये गाड़ी निराश कर सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि सिट्रॉयन C3 नॉन टर्बो का एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं।